네네, 양선이 재배 기다리겠습니다. 와서 쌈이 들어갔네, 이거. 아, 쌈이 들어야 이거. 여러 가면 못만 다 말이야. 아빠는 좋아하고 호텔에. 아, 우선 좀 이리 앞에 해. 이거 플라스틱 주노. जल शक्ति अभियान के तहत लगभग सभी तालाबों का, जो पहले से छुपे हुए भी तालाब थे, वैसे तालाबों को भी खोज कर निकाला गया और उसको भी सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि जल संचयन अच्छे ढंग से हो पाए और सफाई उसकी की जा रही है, कराई जा रही है। और इस अभियान के तहत सर्वप्रमुख तो फर्स्ट यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया, जो 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिसकी चर्चा की थी, और उसके तहत फर्स्ट यूज़ प्लास्टिक हम लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है, और जिनके पास है प्लास्टिक वो रिसाइकिल करने के लिए बगैर पैसे के उसको जमा करके उसका जो वेस्ट है वो उसको दे उसको, ताकि रिसाइकिल हो पाए और ये अभियान सफल हो पाए पर्यावरण के लिए, जनहित के लिए। कौन सा तालाब है ये? ये जी बताएं। जैसा माननीय प्रधानमंत्री का 15 अगस्त को आह्वान किया गया है कि प्लास्टिक मुक्त पूरे देश में, प्रथम फेज में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है, उसके तहत आज 11 सितंबर से 27 सितंबर पूरे राज्य में यह कार्यक्रम विभाग के निर्देशानुसार चालू है। 11 से 15 सितंबर तक हमारी क्लीन एंड ग्रीन ड्राइव चलेगी, जिसमें स्पेशल स्लम पॉकेट में ड्राइव होगा, चुनिंदा ऐसे जहाँ कुछ छुपे हुए हैं जैसे तालाब में बहुत से प्लास्टिक फेंके रहे हैं, यहाँ पे प्लास्टिक चुन लिया, लोगों को मैसेज करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे कि आप प्लास्टिक को यत्र तत्र न फेंकें, एकत्रित करके आप रिसाइकलर को दें। आपको ज्ञात होगा कि आने वाले 2 अक्टूबर गांधी जी की 150वीं जन्मतिथि है, इसके उनको सौभाग्य है कि महात्मा गांधी की एक बहुत बड़ा सौगात दें कि देश को स्वच्छ प्लास्टिक मुक्त रखने में अहम भूमिका।